वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिससे आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक विचार के थ्रू मनी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है कि 17 सेकेंड तक अगर आपने किसी चीज पे फोकस, लेजर फोकस क्रिएट कर लिया, 17 सेकेंड तक आपने जितना पैसा आप चाहते हो वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, या जो भी ड्रीम डिजायर चाहते हो वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, उस पर आपने फोकस कर लिया, तो वो आपके कितने 2000 घंटे का काम के बराबर है, एक्शन के बराबर है। और अगर वही आपने 34 सेकेंड तक वो लेजर फोकस उसी चीज पे फिर से क्रिएट कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, तो वो आपके 20,000 घंटे के काम के बराबर है। और अगर वही आपने बढ़ा के 51 सेकेंड तक किया तो 200,000, और 68 सेकेंड तक किया तो 2,000,000 घंटे वर्क आवर जो आप काम कर रहे हो उसके एक्शन काम के बराबर है। जो रोंडा बर्न द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर उन्होंने इस चीज को इतना हाईलाइट किया कि अपने इंडिया में भी और बाहर भी अब द सीक्रेट को हर कोई जानने लगा है। और अब्राहम हिक्स में भी उन्होंने भी ये बताया, 17 सेकेंड आप किसी भी चीज को अगर इमेजिनेशन करते हो, उस पर फोकस डालते हो, उसको फील करते हो, सोचते हो, विजुलाइज करते हो, तो इट विल टेक अ मोमेंटम, मतलब वो एक पल पकड़ लेता है, वो एक हाई फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेता है। ऐसा होता है ना, हमें कोई एक अच्छी चीज, बहुत मेमोरी अगर हमें याद आ जाती है खुशहाल, तो उसके बाद फिर दूसरी एक और अच्छी चीज याद आ जाएगी, फिर और एक आ जाएगी, फिर और एक आ जाएगी, ऐसे ही एक के बाद एक आती जाती है, तो वो इतना हाई फ्रिक्वेंसी, हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो जाती है और हम अंदर से बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। तो बस वही एक चीज है कि वो इतना पावरफुल होता है उस समय का जो मोमेंट रहता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्टिव थॉट के। कोई भी एक ऐसी डिस्ट्रैक्टिव थॉट नहीं आनी चाहिए कि जहाँ डाउट हो, जहाँ डर हो कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा। क्यों उस चीज को अंदर एंटर करना है? आपको अपने दिमाग को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो पैसा, और इस लॉ के थ्रू करना चाहते हो, तो अपने दिमाग में इतनी सी भी गुंजाइश छोड़ना ही नहीं नेगेटिव चीज के लिए। ये आपको कोई सच या गलत साबित करने के लिए ये सब चीजें नहीं होती हैं ये वीडियो, कि ये तो आपका मैजिकल माइंड का एक पार्ट है। अब उसको यूज करके क्या क्या कर सकते हो वो सबको बताने के लिए ये सब चीजें मैं बताती हूँ, या और दूसरे कोच बताते हैं कि जब आपके पास ये रास्ता है तो उसको यूज करो, बिना इस चीज के लॉजिक लगाए कि ऐसा थोड़ी होता है, पहले ये बताओ, वो बताओ, वो प्रूफ क्यों चाहिए भाई? चाहिए तो आप जो जिंदगी जी रहे हो वो भी तो आप प्रूफ के थ्रू ही जी रहे हो, उसी जिंदगी को कंटिन्यू रखो, वैसा ही करो, और किसी दूसरे चैनल को पकड़ो जहां पे ये प्रैक्टिकल चीजें बताती हैं कि ये ऐसा करो वैसा करो तो पैसा आएगा, और लगे रहो। बट इफ यू वॉन्ट टू यूज योर हायर पावर, अपने मेंटल पावर को, क्रिएटिव फोर्स को, सुप्रीम पावर को, इन चीजों को, मैजिकल माइंड को, इन चीजों को अगर यूज करना चाहते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, तब आपको ये चीजें करना है। तो पहली चीज, कैसे मनी को मैनिफेस्ट करोगे? 17 सेकेंड तक उस पर लेजर फोकस क्रिएट करो, उसको इमेजिनेशन करो, उस चीज को वैसा फील करो कि ये ऑलरेडी डन हो गया, बिना किसी डिस्ट्रैक्टिव थॉट के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के, इतना कमिटमेंट के साथ कि मैं अपने दिमाग में परमिशन दूंगा ही नहीं कि कोई भी नेगेटिव चीज आए, मेरा इतना डन हो चुका है और हो चुका है, और वो मुझे दिख रहा है, आई कैन फील इट, आई कैन सी इट। तो जब आप इतना कर लोगे ना, 17 सेकेंड तक भी अगर आपने कर लिया तो वो मोमेंट पकड़ लेगा, और फिर 68 सेकेंड तक, तो फिर आपके कितने घंटे जो आपने काम किया वो बच जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी रियलिटी वो बनती है, वो लॉ के अकॉर्डिंगली होता है। तो क्या करना है? क्लोज योर आईज एंड कंप्लीट फोकस, उसको करना है, बस यही एक काम करना है आपको मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए। दूसरा, डोंट रिएक्ट टू 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड में आपकी रियलिटी क्या है उस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको सोचना है ये पास्ट में जो मैंने सोचा उसका रिजल्ट है, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे आसपास की चीजें ना दिख रही हो, चाहे आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसको एज इट इज साक्षी बन के ऑब्जर्व करना है, और आपको अपनी ही दुनिया में रहना है
कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, एक भी तरह से शंका उस पे आने नहीं देना है. तो डोंट रिएक्ट टू योर 3D फिजिकल वर्ल्ड. गेटिंग योर सेल्फ इन टू हायर फ्रिक्वेंसी, हमेशा अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी में रखना है. अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छी चीज़ें आपको ऑब्जर्व अच्छी चीज़ों को ही करना है. और जब आप एफर्मेशंस बोलते हो ना कि बिग मनी इज हियर नाउ फॉर मी, तब इस तरह की एफर्मेशंस आपके अंदर वो पावर भी क्रिएट करने लगती हैं, सकारात्मक विचार भी आने लगते हैं. तो ट्राई टू मेंटेन हाई फ्रिक्वेंसी, खुश रहने की कोशिश करो. भले आपको अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, पर ये चीज़ें धीरे धीरे, जैसे ही आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलोगे कि ये ऑलरेडी डन हो गया, बार 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 बोलोगे तो धीरे धीरे फीलिंग्स भी आने लगती हैं, मेंटल स्टेट भी चेंज होने लगता है. और एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे एफर्मेशन मैंने बोली बिग मनी इज हियर नाउ, तो आपके लिए बिग मनी का क्या मतलब है वो भी आप सोचिए. कि कई लोगों के लिए नया घर होता है, कई लोगों के लिए गाड़ी होती है, कई लोगों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, कई लोगों के लिए वर्ल्ड टूर रहता है. तो आपके लिए बिग मनी का मतलब क्या है, आप उस सीन को इमेजिन कीजिए, फील कीजिए थोड़े देर के लिए, एंड लेट गो और अपना काम करने लगी. देखिए कैसे अपॉर्चुनिटी खुद सामने से आके आएंगे, कैसे लोग आपके पास आएंगे. यू कांट बिलीव कि इन चीज़ों का कितना पावर क्रिएट होता है. मेंटल पावर इज अमेजिंग. लास्ट थिंग जो आपको करना है, कमिटमेंट करना है खुद से, खुद से वादा करना है कि आज के बाद मैं पैसे की प्रचुरता के बारे में ही सोचूंगा, पैसे को हमेशा अबंडेंस के रूप में ही देखूंगा, प्लान्टी के रूप में देखूंगा, बहुत सारा लॉट्स ऑफ मनी के रूप में ही देखूंगा. ये कमिटमेंट करना है, नॉट इंटरेस्टेड. आपको इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होना है, या सुन लिया और भूल गए, नहीं. कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब अगर आपने कमिट कर दिया है तो आप वो करोगे ही, और वो ही आपको मिलेगा भी. तो जिस दिन आपने मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए ये कमिटमेंट कर लिया कि अब मैं केवल प्रचुरता ही देखूंगा, अबंडेंस ही देखूंगा, सोचूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में देखो आप उसको, पर बहुत पैसा इस दुनिया में, नेगेटिव चीज में भी आप उसमें पॉजिटिविटी समझ के कुछ जब देखना शुरू करोगे तो वो चीज़ आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी. तो मनी को आज के बाद खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मैं प्रचुरता के रूप में ही देखूंगा. बहुत सारा है, भरपूर है, मनी एनर्जी है और एनर्जी इन्फिनिट है. तो मनी भी सब जगह है. मैं जो कपड़े पहना हूँ ये भी मनी है, जो पानी पी रहा हूँ वो भी मनी है, आसपास जो चीज़ें रखी हैं वो भी मनी है. जब आप ये कमिटमेंट कर लोगे, एक दिन के अंदर आपका मेंटल स्टेट चेंज होगा, हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे. यस माई डियर फ्रेंड, ये 2-3 उपाय कीजिए मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए. आपको इसके अलावा बिना कोई फिजिकल एक्शन लिए ये तीनों चीज़ें करो आप, धीरे धीरे मनी आपके जीवन में शो होने लगेगी. और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक के वीडियो में. तब तक गुड बाय.